देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रियंका गांधी से। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अब मौका देकर चौका लगाना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कांग्रेस को घेर रहे तो भला प्रियंका पीछे क्यों हटे। और ऐसे में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते क्या है? क्या देश का युवा सड़कों पर चाय पकौड़ा बेचे? क्या देश की जनता ऐसे ही बदहाल जिंदगी में रहे? क्या देश की जनता ऐसे ही आर्थिक तंगी से गुजरती रहे? प्रियंका गांधी ने कहा कि कोविड के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का ख्याल नहीं रखा। किस तरह कोविड के समय भगदड़ मची हुई थी, किस तरह जनता इधर उधर भाग रही थी, लेकिन मोदी सरकार को कोई फिक्र नहीं थी। तो ये देखा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया तो प्रियंका ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालते हुए सीधे तौर पर पीएम मोदी को घेरती वो नजर आ रही है। यानी कि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ये समझ चुकी है कि अगर जनता को अपने साथ जुड़ना है और अगर जनता का समर्थन हासिल करना है तो सरकार की सच्चाई बतानी पड़ेगी। और आज सरकार का काला छिट्टा खुल चुका है क्योंकि जनता देख चुकी है हमारे देश में बेरोजगारी का आलम क्या है, हमारे देश में अर्थव्यवस्था कहां पर है, हमारे देश की जीडीपी कैसे निचले पायदान पर आ गई है, हमारे देश में किस तरह आज बहुत ज्यादा महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जनता इस बार मोदी सरकार से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है और ये देखा जा रहा है कि जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है और प्रियंका को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।